आप लोगों की मांगे जो पहले रखी गई थी वो मांगों पर आश्वासन मिला, पूरा नहीं हुआ, फिर से आप लोगों ने हड़ताल किया। अब क्या लग रहा है आपको कि सरकार अब बिल्कुल आखिरी पल में है, सत्ता में है, इधर सदन भी पूरे होने वाले हैं, क्या आप लोगों की मांगों पर कोई बात करने के लिए आगे आया अब तक? हमारी मांगों पे बात करने के लिए वो पिछले 4 साल से नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने सरकार के बनते ही उन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट में 2 महीने के भीतर ही 3 श्रमिक कानूनों में परिवर्तन के जो है बिल लेकर के आ गए। कोई ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत नहीं की, और जब हमने इसका ऑब्जेक्शन उठाया लेबर मिनिस्टर से तो उसने कहा कि हम प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन वो बात पहुंची नहीं पहुंची हम नहीं जानते। उन्होंने राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के जरिए से 4 कानूनों में असेंबली में परिवर्तन करके और PMO ऑफिस के आग्रह पे राष्ट्रपति ने साइन कर दिए और वो पूरे देश के 4 कानूनों में परिवर्तन के कानून बन गए। जब हमने उसका विरोध किया तो सरकार बैकआउट कर गई कि हमने आपसे कब प्रॉमिस किया कि हम ये श्रम कानूनों में परिवर्तन नहीं करेंगे, सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया। जब उससे हम आगे बढ़े कि आप सबसे बात करके किसी परिवर्तनों को लाओ, तो सरकार ने कोडिफिकेशन शुरू कर दिया। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 2015 में की, और इस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेडली हम ट्रेड यूनियन ने कहा कि आप ट्रेड यूनियन से बात किए बिना हमारे 100 वर्षों के संघर्षों से मिले हुए हमारे कानून ब्रिटिश राज में और स्वतंत्र भारत में आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट और असेंबली से हमने हासिल किए हैं और संघर्षों से भी हासिल किए हैं, तो आप बातचीत किए बिना जिस तरीके से आपकी सरकार चल रही है वो ठीक नहीं। प्रधानमंत्री ने सबको प्रॉमिस किया वहीं पर कि हम आपसे बात के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन लाल किले पे खड़े हो गए। जुलाई 2015 में प्रॉमिस करते हैं, 15 अगस्त को लाल किले पे ऊपर खड़े होके कहते हैं कि 44 कानूनों को 4 में बदल रहा हूं। तब से इनकी रफ्तार लगातार कोडिफिकेशन, फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, अब ट्रेड यूनियन एक्ट पे हमला, किस दिन कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं, कल जब हमारी पहले दिन की हड़ताल थी उस बिल को रखा गया। ये ट्रेड यूनियंस को ध्वस्त करने की इनकी लगातार नीति है, तो बात ये हमसे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मजदूरों को बड़े अशोक सिंह जी, अगर बात जैसा बता रही मैम, बात ये क्या करेंगे, और 4 साल में कोई बात करने सामने नहीं आया, जो नीतियां हैं उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, और जो बात कह रही है कि ट्रेड यूनियन को ध्वस्त करने की, अब चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है, और आप लोग की जो तस्वीर सामने आई है पूरे भारत में, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, आप लोगों ने पूरे देश को एक तरह से जाम कर दिया है, सरकार के लिए भी चुनौती है, और क्या आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, सरकार को चेतावनी हम नहीं दे रहे हैं, सरकार को हम कई बार हमने जगाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। 4.5 साल तो आप जगा ही रहे थे, 4.5 साल में हाँ नहीं हुआ ना, क्योंकि वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। जो श्रम कानून जो बनाते हैं, श्रम कानून माने क्या है, श्रम कानून माने श्रमिकों के लिए है, लेबर अपने आप ने नाम से स्पष्ट है, इट इज फॉर द लेबर, फॉर द इंडस्ट्री टू बैलेंस बिटवीन द लेबर एंड द इंडस्ट्री एंड द नेशन। वो एक पक्षीय कानून बनाते हैं जो केवल पूंजीपतियों के हक में हो, श्रम विरोधी कानून, ठीक है, श्रम कानून नहीं, श्रम विरोधी कानून, श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाते हैं कि कैसे हम इसको समाप्त करें। वह जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हुए, 1 साल बाद उन्होंने घर पे एक मीटिंग बुलाई हम सारे ट्रेड यूनियन सेंटर्स की, और उसमें हम सबकी बात सुन के उन्होंने कुछ अपनी बात नहीं कही कि कल मैं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा। दूसरे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बात की, लेकिन वो भी कोई बात कुछ जमी नहीं, उसके बाद कोई इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। ये पहला मौका है इस देश में जहां पे हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती है, और वहां पे ILO के पहले वो पिछले 3 साल से नहीं हो रही। ये इनकी इनका चिंतन, इनकी सोच बताती है कि इस गवर्नमेंट की क्या सोच है। ये इस गवर्नमेंट की सोच किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, और नौजवान जो जिसको रोजी रोटी जो है ना वो भी उसके हाथ से छीन ले गई। इन्होंने वादा किया था 2014 में आने के पहले, इलेक्शन के ठीक पहले, हम आते ही मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये 3-4 वादे किए थे। आप लोगों का भी अलग सवाल है, विपक्ष के भी अलग सवाल जी है। अमरजीत सिंह जी, अमरजीत कौर जी, आप बताइए कि अब सरकार के सामने ये 2 दिन की जो बंद है, आपको इसको सांकेतिक तौर पर मान भी लिया जाए कि ये हड़ताल एक कामयाब हड़ताल है आपका, सरकार तब भी बातचीत करने के लिए आपके पास नहीं है, आपके पास अब विकल्प क्या बच रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हड़ताल में 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूर शामिल हुए हैं, और इसमें कोल, नॉन कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, इंश्योरेंस, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, बहुत से, कोई विभाग नहीं छूटा है जो हड़ताल पे आया नहीं, और इंडस्ट्रियल एरियाज में हड़ताल हुई है। टीचर्स मैदान में हमारे साथ उतरे, स्टूडेंट्स हमारे साथ मैदान में उतरे, खेती और मजदूर आए समर्थन
देने किसानों ने रैलियों में हिस्सा लेना शुरू किया। आप अब पूछ रहे हैं कि सरकार बात नहीं कर रही तो क्या होगा। ये 20 करोड़ मजदूर जो मैदान में उतरे हैं और इनके साथ जो दूसरी जनता सहयोग के लिए उतरी है, इसके अलावा वो ये संदेशा ले रही है कि सरकार को अपनी इन नीतियों को बदलना चाहिए और अगर नहीं बदलेंगे तो आने वाले चुनावों के अंदर कुछ तो रणनीति तय होगी ना, कि या सरकार अपने इरादे बदले, और इरादे नहीं बदलते तो सरकार बदलेगी। बात बहुत सीधी है। इसलिए हम ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये कह के निकले थे जब हमने 28 सितंबर को कन्वेंशन किया कि हम इन 12 सूत्री मांगों को लेकर के व्यापक सहयोग सभी सेक्शंस से मांगेंगे, और हमने देखा कि वो सहयोग हमें मिला क्योंकि बाकी हिस्से भी बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। दूसरी बात हमने ये कही थी, सरकार देश को बेच रही है और अपने पब्लिक सेक्टर को डिसमेंटल कर रही है। अगर सरकार इस रास्ते को नहीं छोड़ेगी तो हम सरकार को डिसमेंटल करेंगे। तीसरी बात हमने ये कही थी कि अगर सरकार ने अपने देश विरोधी, मजदूर विरोधी तो है, किसान विरोधी है, देश विरोधी नीतियां हैं इनकी। हम सीधे सीधे खुले इल्जाम लगा रहे हैं कि ये देश विरोधी नीतियां हैं। अगर ये देश विरोधी रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो फिर देश विरोध को तो हम स्वीकार नहीं करेंगे ना। इनके देश विरोध और देशद्रोह की जो परिभाषा है वो हमारी परिभाषा नहीं है। हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं और इसलिए डेमोक्रेसी के जरिए से हम कहना चाहते हैं कि जो देश विरोधी नीति इस देश में चलाएगा उसको सत्ता के ऊपर रहने का हक नहीं होगा। तो हम मजदूर इस आम हड़ताल के बाद इस सोच को, समझ को और नीचे तक ले जाने वाले हैं। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम लगातार चलेंगे। बात करनी है तो टेबल पे आओ, बात नहीं करोगे तो जनता को हम बताएंगे कि वो आपके इस हठधर्मी का जवाब कैसे देती है। ठीक है अशोक जी, हम देख रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आपको समर्थन कर रही है, आरजेडी भी सड़कों पे है, वहाँ टीएमसी भी सड़कों पे है। क्या राजनीतिक पार्टियों से सहयोग लेने की इस वक्त जरूरत पड़ रही है? देखिए ऐसा है, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बताएं आपको क्या राजनीति। देखिए राजनीतिक पार्टियां बनती हैं राजनीति के लिए। नहीं, आपके मुद्दे पर राजनीति करेंगी ना? नहीं, हमारे मुद्दे पर राजनीति क्यों करेंगे? हमारे मुद्दे पर अगर सहमत हैं तो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं तो देश के साथ हैं। 20 करोड़ मजदूर, जैसे बहन जी का 20 करोड़ मजदूर सड़क पे उतर आया है और किसानों का समर्थन है, और 15 करोड़ प्राइम मिनिस्टर बनता है इस देश का, राइट है? और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि चुनाव जनता के और गठबंधन के बीच में होगा, तो अगर 20 करोड़ सड़क पे उतर आए हैं हम, तो सोचिए कि फिर क्या होगा है। तो ये गलत नीतियाँ, जैसा अभी कहा, मैं बता रहा हूँ, मैं डिफेंस का भी प्रेसिडेंट हूँ, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं देश में, पहले 8 थी, फिर 18 हुई, 41 हुई 62 के बाद जब हम चाइना ने हम पे किया, तो 8 से 18 हुई, फिर कारगिल में 18 से 41 हुई, जिसका पार्लियामेंट में अप्रिशिएट किया गया कि डिफेंस फैक्ट्रियों के कामगारों ने कितनी मेहनत की और कैसे सीमाओं को सुरक्षित रखा। उसको ही खत्म करने जा रहे हैं, उसी कैंपस में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कैंपस में ही फॉरेन के विदेशी पूंजी लगाकर, विदेशी वालों को बैठाकर वहां पे अपनी सुरक्षा की पूरी जानकारी उनके हवाले कर रहे हैं। मैंने देश की सुरक्षा की जानकारी उनके हवाले करने का मतलब है कि देश की आज़ादी हमारी खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में है। इसलिए देश खतरे में है, सबसे बड़ी बात यह है, अगर देश को हमें बचाना है तो हमें जो हम आज उतरे, जब पूछा अगला कदम क्या होगा, देश को अगर बचाना है तो इस सरकार को हटाना होगा। आपका भी, मैं भी इसके ऊपर कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का, हमने खुले तौर पे अपील किया राजनीतिक पार्टियों को, ट्रेड यूनियंस ने, कि ये हमारे मुद्दे हैं, ये प्रश्न है, जीविका के प्रश्न है, महंगाई के प्रश्न है, रोजगार के प्रश्न है, कानूनों पे हमला हो रहा है उसके प्रश्न है, डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उस पे प्रश्न है। तो राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं तो बताएं वो हमारे साथ हैं कि नहीं। तो हमें समर्थन मिला, तो इसलिए हमें समर्थन मिला, और केवल राजनीतिक पार्टियों का नहीं, जो अपोजिशन में है, इवन जो सत्ता में है वो सेंटर में अपोजिशन में है, लेकिन अपने अपने राज्यों में, सरकारों में, हमने सबको अपील किया कि श्रमिक तुम्हारे प्रदेश का है, प्रदेश को बना रहा है, देश को बना रहा है, वो आज परेशान है, उसको न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, महंगाई में कुचला जा रहा है, और उसके श्रम कानून छीने जा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी छीनी जा रही है, ऐसी स्थिति में बताइए आपका क्या एजेंडा है। तो नेचुरली हमें समर्थन मिला। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि ठीक है, हम आपकी हड़ताल का विरोध नहीं कर रहे, वो आपका फैसला है, लेकिन हम आपके तशद्दुद नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये बात आई, पॉलिटिक्स ऑफ वर्किंग क्लास हम करते हैं, उससे हम इनकार नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, हमें उनसे समर्थन लेने का हक है, इसलिए हमने उनको अपील की, उन्होंने हमें समर्थन दिया। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हड़ताल नहीं है, ये बात बार बार या इनकी पॉकेट यूनियंस उठा रही हैं या मंत्री लोग उठा रहे हैं इनके, कि ये राजनीति से प्रेरित है। तो जी, आप तो जुलाई में ले आए थे, मई में सत्ता संभालने के बाद
मोदी जी 2 महीने के बाद जब बिल लेके आए, हम तो तब से सड़कों पे हैं। तो राजनीति ना राजनीति क्या है, हम तो तब से सड़कों पे है कि हमारे ऊपर हमला जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज उनको राजनीति समझ में आ रही है कि ये राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। और हमारा आक्षेप है, जिस तरीके से कल लेबर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ केंद्र का लेबर मिनिस्टर वहां ये बोले कि हिंदुस्तान में श्रम यूनियनों के लिए बाईपार्टाइट या ट्राईपार्टाइट नेगोशिएशंस में या सरकार के साथ नेगोशिएशंस में या उनके रिकॉग्निशन के सिलसिले में देश में कोई कानून ही नहीं। और हमारे देश में ये कानून है, प्रोसीजर है, सारा सेटअप है, वो सारा प्रोसीजर जिसको फॉलो किया जाता है। और गंगवार भी जानते हैं कि उनके दफ्तर से हमें चिट्ठी सारी यूनियनों को किस वजह से आती है, उसी प्रोसीजर्स की वजह से आती है। और वो अचानक ये बताने लगे हैं देश को झूठ कि इस देश में कोई प्रोसीजर नहीं है। हम तो जी यूनियन को रेकोगनाइज करने वाले, रेकोगनीशन का तो इस देश के अंदर प्रोसीजर बना हुआ है, हर 8 साल के बाद रेकोगनीशन ऑफ यूनियंस की वेरिफिकेशन होती है, वो प्रोसेस भी आजकल चल रही है। और लेकिन लेबर मिनिस्टर पीएम ऑफिस के चलते हुए, क्योंकि यूनियंस को डिसमेंटल करना है, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट में चेंज करने के लिए। इसलिए हमसे इनसे हमको कोई उम्मीद है ही नहीं इनसे इनसे, और हमसे इनको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम इतनी आसानी से झुठलाए जा सकते हैं और बहकाए जा सकते हैं। ये नहीं होने वाला है, सरकार आप को हमने चेतावनी दे दी, खुली चेतावनी है, आर पार की लड़ाई होगी। अगर आपकी बातों को मान लेते हैं और उस पर कोई बातचीत के लिए आगे आता है तो ठीक है, वरना आने वाले दिनों में इसकी चुनौती उनको झेलनी पड़ा। अशोक जी, वो कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर आप लोग चाहते हैं कि कम से कम जो 10-12 मुद्दे आपने गिनाए हैं उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कौन है जो आपको लगता है कि नीतिगत आधार पर लिए गए फैसलों में श्रमिकों की नीति के साथ अवहेलना हो? देखिए, एक तो मिनिमम वेज है जी, मिनिमम वेज कम से कम 18,000 रुपये होना चाहिए, 10,000, ठीक है, इट्स अ चार्टर डेवर, इज वन ऑफ द मेन। उसके बाद मिनिमम वेज के बाद जो है, सॉरी, आउटसोर्सिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो सारे जो रेगुलर जो परमानेंट चीज़ें हैं वो सबको बदल रहे हैं आउटसोर्सिंग में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पे। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम का मतलब केवल शोषण, एक्सप्लोटेशन, नथिंग एल्स। हम कह रहे हैं इसको बंद करिए, अगर आप नहीं बंद करते हैं तो जो रेगुलर और परमानेंट को मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलना चाहिए, वो सारी सुविधाएं, डोंट मेक हिम परमानेंट। डरते हैं निकाले जाएंगे, अरे भाई उनका एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगा, कैसे निकालेंगे, वो भी है। और प्लस सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है कहाँ? ईपीएफ का, मैं मेंबर सीबीटी रहा हूँ, ये ईपीएफ का पैसा, आपका ईपीएफ कटता होगा, उसका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, कल क्या होगा पता नहीं, राइट है। कुछ बहुत सी हमारी डिमांड ये है कि जो ये लेबर लॉ को जो ख़त्म कर रहे हैं, बना 44 से 44 कर दिया, करने जा रहे हैं, वो लेबर लॉ को हमसे कंसल्ट करके करें। लेबर लॉ बनता है किस लिए? श्रमिकों के लिए, और दे आर नॉट कंसल्टिंग अस, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा अभी बहन जी ने कि अभी पार्लियामेंट में कह दिया कि हम कंसल्ट करते नहीं, बना के ले आते हैं, उसको लागू कर देते हैं। अगर कोई चला जाए तो उसका नाम लिख लेते हैं कि हमने इनसे कंसल्ट किया, दे आर नॉट कंसल्टिंग अस, बस दे आर मेकिंग द लॉ विच इज एंटी लेबर लॉ। इस समय सरकार जो है केवल पूंजीपतियों के पक्ष में जो नियम बना रही है वो गलत है। ये हमारा कहना है कि देश की सुरक्षा, अब डिफेंस का ले लीजिए, डिफेंस या रेलवे, इट्स वन ऑफ द एशिया की बिगेस्ट रेलवे इंडस्ट्री है, उसको 100% प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एफडीआई ला रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। और डिफेंस में सारा का सारा 41 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। बीएल में जो कि एचईएल में 32,000 एम्प्लॉयज हैं, और अभी जो राफेल का सौदा हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर ले गए थे चेयरमैन को, मिस्टर राजू को, और दिया अंबानी को ले गए, राजू को दिया अंबानी को। इसी तरह बीएल में है, बीएल जो बनाती है, जो प्रेजेंट जिसकी क्वालिटी अच्छी है 100% और दाम 50%, उसको 50% क्वालिटी और 100% दाम में उसको दे दिया है, इसको लॉरेंस टिब्रो को और उसको बजाज को। ठीक है, लेकिन कुछ तस्वीरें देखे जो थोड़ा सा परेशान भी कर रही हैं, कहीं पर सड़कों पर आग लगा दिया गया है, बसों पर पत्थरबाजी की जा रही है, छात्रों को मारा जा रहा है, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे बच्चे, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया जा रहा है, ये एक अलग तस्वीर आई है आप लोग के हड़ताल का, ये इसका असर जनता पर नहीं पड़ रहा है? देखिए बताएं क्या है जी, हम खुद नहीं चाहते हैं कि स्ट्राइक हो, स्ट्राइक इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन इस समय देश ही खतरे में है, करें क्या,
देश के जो स्टेट स्टेट एक भी यूपी में एक भी बस नहीं निकली, पूरे देश में ट्रांसपोर्ट की पावर की सारी बड़ी बड़ी स्ट्राइक। इस बार पावर का बताएं आपको, पूरे देश में पावर के इंजीनियरों ने इसमें भाग लिया है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे करने जा रहे हैं यूपी में, सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन कैबिनेट के डिसीजन ले लिया। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो प्राइवेटाइजेशन हो गया होता, प्राइवेटाइजेशन होगा तो किसके पक्ष में होगा? क्या किसानों के लिए होगा, क्या गरीबों के लिए होगा, क्या नौजवानों के लिए होगा, क्या विद्यार्थियों के लिए होगा? अरे न तो किसी गरीब आदमी के लिए प्राइवेटाइजेशन होगा ही नहीं, वो बड़े आदमियों के लिए होगा। ये गलत बात है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप जोड़ना चाहूंगी, हम किसी किस्म की हिंसा या पब्लिक प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन हम नहीं चाहते हैं, लेकिन किसने मजबूर किया है? इस वक्त छात्रों को भी परेशान होने में, सरकार को 28 सितंबर से पता है हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, फिर भी 8 9 10 11 की डेट डिक्लेयर की गई है एग्जामिनेशन के लिए। कुल सरकार आप लोगों को तरजीह नहीं दे रही, पूरे तरजीह नहीं दे रही है सरकार के सामने। आप लोगों ने सबसे बड़ी बात यह कि 9 10 11 नवंबर को 3 दिन का पड़ाव था, इसमें लाखों मजदूर दिल्ली में थे। एक चेतावनी यहां से पूरे मंच पे आपने दे दी है कि अगर सरकार उनकी आपकी मांगों को नहीं सुनती है, बदलेंगे, नहीं बदलेगी तो हम आने वाले चुनाव में, अगर सरकार अपनी नीति नहीं बदली, अपनी विचार नहीं बदले, तो हम सरकार बदल देंगे।